स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स बनता और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और आज का ये शो काफी स्पेशल होगा क्योंकि 8 मार्च को अभी हाल ही में हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट भी किया था और इस मौके पर ही ये खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं। 8 मार्च को जो सेलिब्रेशन हुआ था उसी उपलक्ष्य में हम आपके लेकर आए हैं कुछ ऐसे 8 तरीके जिसके जरिए घर की महिलाएं अपना जो टैक्स है अपने घर में मदद कर सकती हैं और अपने पति की भी मदद कर सकती हैं उनका टैक्स सेव करने में, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकतर महिलाओं से ही जुड़े टैक्स अधिकार और कुछ स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में आपको यहाँ पर कुछ जानकारी नहीं होगी। तो इससे जुड़ी छोटी छोटी जानकारियाँ हम आपको बताएंगे जिसका कि आपको इसके पहले शायद अंदाज़ा नहीं होगा। और इसी में हमारी मदद करेंगे टैक्स गुरु मुकेश पटेल, जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको इससे जुड़ी छोटी छोटी बारीकियां बताएंगे और टैक्स बचाने के कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स भी देंगे, आउट ऑफ द बॉक्स टिप्स भी देंगे। और इसी के साथ ही साथ अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे शो के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और आज के दिन क्योंकि अभी हाल ही में हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था तो उसी उपलक्ष्य में ये जो शो है ये उन्हीं महिलाओं को डेडिकेट है जो कि छोटी छोटी सेविंग्स के थ्रू और काफ़ी तरीके से बचत करती हैं और हमें पता नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने घर वालों को भी मदद कर सकती हैं उनके टैक्स बचाने में। तो इसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल होगा कि एक वाइफ को जो भी पॉकेट मनी मिलती है अपने हस्बैंड की तरफ से मनी अलाउंस के तहत इसको हम कह सकते हैं, उसके ज़रिए वो काफ़ी छोटी छोटी सेविंग्स अपनी खुद की करती रहती हैं। तो पहले तो वही सवाल है तो वो वहाँ पे तो टैक्स नहीं लगता ना, वो तो टैक्स फ्री है। पूजा सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश और आपकी हमारी ओर से हम हमारे दर्शकों को यह 8 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन उस निमित्त पर बधाई दे। और जैसे कि एक उक्ति है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम टैक्स मंत्र की भाषा में ये कह सकते हैं कि बिहाइंड एवरी टैक्स प्लानिंग of a successful man, there is a woman who can contribute in the tax planning. आपने बिल्कुल सही बताया कि घर की हर एक महिला परिवार का आयकर आयोजन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बजा सकती है। तो इस पश्चात भूमिका से मैं शुरू करूंगा आपका जो पहला सवाल है। अब इसको हम पॉकेट मनी कहें, कानून की भाषा में इसको पिन मनी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि वे जॉइंट फैमिली होती है तो वहां परिवार का जो मुख्य अध्यक्ष है वो घर की महिला को कहता है, गृहिणी को कहता है कि भाई आपको हर महीने ये हम 10,000-15,000 रुपया देंगे, उसमें से आपको घर का कारोबार चलाना है। जैसे देश का बजट चलता है घर का भी एक बजट होता है। अब ये जो वाइफ है अपने हस्बैंड से या अपने जॉइंट फैमिली के हेड से मिले पैसों का जो कारोबार करती है, अब उसमें दो प्रकार की महिलाएं हो सकती है। एक महिला है वो जो खर्च में वो देखती नहीं है कि क्या सब ठीक ठाक चल रहा है तो उसका पूरा पैसा खर्च हो जाता है। एक दूसरी महिला ऐसी हो सकती है कि वो बिल्कुल बारीकी से प्लानिंग करे, तो उसको मान लीजिए कि 15,000 रुपया मिला है और आमतौर पे 15,000 चाहिए घर चलाने के लिए, पर वो अपनी स्किल से वो 13,000 में पैसा चला के 2,000 अपनी सेविंग कर लेती है। तो ये 2,000 रुपया जो उसके पास बचता है, आपका सवाल ये है कि इस पर क्या कोई टैक्स लगेगा, तो इसका जवाब ये है कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि हस्बैंड ने मान लीजिए वाइफ को दिया, आमतौर से हस्बैंड अगर वाइफ को कुछ गिफ्ट देता है तो उसमें क्लबिंग प्रोविजंस का सवाल आ सकता है कि ऐसी गिफ्ट में से खड़ी होती आवक जो आय है उसका क्या टैक्सेबिलिटी होगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर ये जो पॉकेट मनी अलाउंस या पिन मनी अलाउंस का जो सवाल है
उसमें जो बचता है ये तो महिला की अपनी अलायदी बचत है, इट इज अ कैपिटल आइटम, इट कैनॉट बी टैक्स्ड एज इनकम। ये बहुत बहुत क्लियर कट है। और इस पर हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के कुछ जजमेंट्स भी आए हुए हैं, जहां ऐसा कहा गया था कि भाई ये महिला की अपनी बचत है और इस बचत से उसने कुछ निवेश करके कुछ कमाया है, तो ये जो सेविंग्स है ये विच कम आउट ऑफ दिस पॉकेट मनी अलाउंस दैट कैनॉट बी टैक्स। तो इसको कानूनी अनुमोदन भी मिला है। तो मेरे ख्याल से ये आज का सबसे पहला हमारा टिप ये है कि फिकर मत करिए, घर ठीक ठाक चलाइए, एफिशिएंटली चलाइए, तो ये स्किल का आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्टिंग है। तो पत्नी की सेविंग्स टैक्स फ्री होती है, इसको लेकर तो निश्चिंत हो जाइए और काफ़ी जगह आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सामने निकल कर आया है ये है कि कोर्ट के जजमेंट में भी ये चीज़ें प्रूव हो चुकी है, तो इस फ्रंट पर टेंशन लेने की तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुकेश जी, हमने देखा है कि एक महिलाओं को उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, उनकी तरफ से भी कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं ज्वेलरी के फॉर्म में या फिर राशि के फॉर्म में कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं, उनके ऊपर टैक्स का क्या प्रावधान है? बिल्कुल, इसको हम कस्टमरी गिफ्ट्स कहते हैं पूजा, कि आपको ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, राखी हो, भाई दूज हो, दिवाली हो, यू नो, कोई ना कोई आपको, जैसे आपने बताया, आइदर इन कैश और इन काइंड आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। अब ये जो गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, इसमें आपको दो कैटेगरीज बनानी है। एक तो क्लोज रिलेटिव्स। अब क्लोज रिलेटिव्स आम तौर से हम जो समझते हैं सोशल परिभाषा में वो नहीं, पर आयकर कानून की परिभाषा है रिलेटिव की। इसके हेतु सर सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में रिलेटिव्स के दायरे में कौन आता है ये समझाया गया है। और इसमें जैसे हम आगे भी एक विशेष एपिसोड गिफ्ट्स के बारे में कर चुके हैं, दर्शकों को याद होगा कि जैसे आपके माता पिता हो, आपके पुत्र पुत्री हो, आपके भाई बहन हो, ऐसी एक पूरी लिस्ट है, उनके पास से अगर आपको कुछ मिला है तो विदाउट एनी मॉनिटरी सीलिंग ऐसी गिफ्ट्स, वेदर इन कैश और इन काइंड, ये संपूर्णतः करमुक्त है, इस पर कोई टैक्स की जिम्मेवारी नहीं है। पर मान लीजिए जो रिलेटिव्स के दायरे में नहीं आते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति ने आपको, महिला को साल भर में गिफ्ट दी है, या तो एक या ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स, हालांकि वो तो रिलेटिव्स है ही नहीं, उनके पास से आपको कुछ मिला है, तो साल में अगर ये सब गिफ्ट्स का मूल्य 50,000 रुपये के अंदर आता है तो आपको टैक्स की कोई जिम्मेवारी नहीं है। पर 50,000 से ये अगर बढ़ जाता है तो संपूर्ण रकम, पूरी रकम, इसमें 50,000 को काटना भी नहीं है, द होल अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी शोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो पूजा ये ख्याल रखना है एज फार एज टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स इज कंसर्न। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिए, पहले तो करीबी रिश्तेदारों से तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर टैक्स फ्री होता है गिफ्ट और उसकी कोई मॉनेटरी लिमिट भी तय नहीं की गई है। लेकिन गैर रिश्तेदारों या दोस्तों से अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उसकी लिमिट का आप ज़रूर ध्यान रखें और उसके बारे में अपनी चर्चा भी की। एक और इवेंट होता है शादी होती है, शादी के माहौल में भी लड़कियों को काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो दुल्हन को मिलने वाले गिफ्ट्स पर किस तरह का टैक्स लगता है इसके बारे में भी बताइए, या वहाँ पर भी टैक्स फ्री है, दुल्हन है क्योंकि तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स क्या कहता है इस पर? आयकर कानून दुल्हन ही नहीं, दुल्हन और दुल्हा दोनों पर मेहरबान है हम ये कह सकते हैं। और प्रोविजन ये है कि दुल्हन को
अपने वेडिंग के अवसर पर जो भी गिफ्ट्स मिली ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, तो जो 50,000 का हमने आगे नियम देखा वो कस्टमरी गिफ्ट्स के बारे में है, पर ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग आपको मिला हो, कोई भी रिश्तेदार हो, रिश्तेदार नहीं भी हो, आपने जैसे आमतौर से हमारे यहाँ रिसेप्शन रखते हैं तो उसमें जिसको हम टिपिकली चांदला मनी कहते हैं, लोग आपको कवर देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं इन कैश इन काइंड, तो ये सब जो है उसका मूल्य कितना भी हो, इस पर कोई टैक्स की जिम्मेवारी दुल्हन के हाथ में नहीं रहेगी। तो ये एक खुशखबरी है। अब इसमें हमें ख्याल ये रखना है पूजा की, एक इनकम टैक्स के क्लबिंग प्रोविजंस हैं, उसमें 3 रिश्तेदार ऐसे हैं कि जिनसे मिली गिफ्ट, जो घर की गृहिणी माना कि दुल्हन कहो या बहू कहो या वाइफ कहो, उसको मिलती है, मान लीजिए हस्बैंड से मिलती है कोई गिफ्ट, या तो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ से मिलती है गिफ्ट, क्योंकि यू आर सन्स वाइफ इन दैट केस। तो सेक्शन 64 में ये कहा गया है कि ऐसी गिफ्ट्स लेने पर कोई टैक्स नहीं है, पर लेने के बाद उसमें से आपको जो कोई इनकम होती है और वो टैक्सेबल है, तो ये इनकम जिन्होंने आपको गिफ्ट दी है उसकी इनकम के साथ जोड़ा जाएगा। दिस इज अ प्रोविजन व्हाट वी कॉल एज क्लबिंग ऑफ इनकम के लिए। अब वेडिंग के टाइम पे ये क्लबिंग ऑफ इनकम का आपको कोई अवरोध बीच में ना आए, इसके लिए आप थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग ये कर सकते हैं कि आपकी सप्तपदी, आपके जो फेरे होते हैं 4, वो आप लेते हैं उसके पहले अगर आप ये गिफ्ट का स्वीकार करते हैं, तो ये गिफ्ट हो तो गई वेडिंग के टाइम पर जब आपको ये गिफ्ट मिली तब आप अभी पति पत्नी बने नहीं हैं, आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ के लिए आपने अभी बहू का वो जो टाइटल है संपादन नहीं किया है। तो अगर आप ये टाइमिंग का ख्याल करके, वो जिसको हम कहेंगे कि वो पूरे आपके फेरे पूर्ण होने से पहले अगर ये गिफ्ट का आयोजन करें, तो आपके लिए विशेष लाभदायी होगा। पूजा, दिस इज वन रियल वैल्यूएबल थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ऑल राइट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता, जिसका कि देखिए शो की शुरुआत में हमने कहा था कि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनका कि हम ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन यहाँ पर ध्यान हमने आपका आकर्षित किया है। 2 चीजें होती हैं, कस्टमरी गिफ्ट भी मिलते हैं और शादी के वक्त भी दुल्हन को कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन 3 लोगों का ध्यान रखिए, पति, सास या ससुर से गिफ्ट पर होने वाली इनकम IT एक्ट के सेक्शन 64 के तहत क्लबिंग प्रोविजन को आकर्षित कर सकती है, वहां पर टैक्स लग सकता है। तो फेरों के पहले कोशिश करें कि आप अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को बोल दें और हस्बैंड को भी बोल दें कि जो भी गिफ्ट है उसके पहले ही दे दें। ये एक टिप हमने आपको दी और उम्मीद है कि इसके जरिए जो कि शादी होने वाली है जो लड़कियों की, उनको कुछ मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं सर, महिलाओं के विरासत को लेकर भी सवाल यहाँ पर कुछ खड़े होते हैं, उस पर टैक्स से जुड़े क्या अधिकार हैं, इसके बारे में भी बताइए। जरूर, अब आपने जो कहा विरासत, माना कि इनहेरिटेंस, अब इसके हम 2 पहलू एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले तो कोई भी महिला है उसका राइट टू इनहेरिटेंस अंडर लॉ क्या है, और अलग अलग कानून के तहत अलग अलग प्रोविजंस हैं। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हर एक पर्सनल लॉ की बात करें, पर सबसे ज्यादा जो समावेश होता है हमारे यहाँ पॉपुलेशन में, फैमिलीज में, वो है हिंदू लॉ। और हिंदू लॉ के तहत आप जानते हैं, हमने एक बार आगे भी डिस्कस किया था HUF का, उसमें जैन और सिख का भी समावेश हो जाता है। तो हिंदू लॉ के जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रावधान है, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी हिंदू है, मेल हो या फीमेल हो, वो उसका अवसान होता है तो ऑन डेथ
उसकी प्रॉपर्टीज, अगर उसका विल है तो विल के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें तो कुछ करना नहीं है। पर विल नहीं है तो ये होता है इनहेरिटेंस का किस्सा कि भाई कानून के तहत किसको ये प्रॉपर्टी में कुछ लेने का या मिलने का अधिकार है। तो मान लीजिए कोई एक हिंदू पुरुष का अवसान होता है तो कानून ये कहता है, हिंदू लॉ, कि वो पुरुष की पत्नी अगर उसकी माता विधवा है तो विधवा माने विडोड मदर वाइफ और उसकी डॉटर्स भी माने बेटियां है उनका भी जो बेटे का अधिकार है उसके समान अधिकार उनका होगा। तो समझिए कि आपके दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं, आपकी वाइफ है और आपकी विधवा माता है और इस केस में ये आपका पुरुष का अवसान होता है तो जो भी प्रॉपर्टीज है, विल नहीं है तो इसके छह हिस्से बटेंगे और हरेक को 1/6 मिलेगा। माना बेटी को भी इसके तहत उसको हिस्सा मिलेगा, ये उसको ध्यान रखना है। और इसके साथ पूजा सवाल ये दूसरा खड़ा होगा कि बेटी को जो हिस्सा मिलता है या पत्नी या विधवा माता को जो हिस्सा मिलता है एज अ लेडी मेंबर, उस पर क्या कोई टैक्स लगेगा? तो उसका भी अच्छा खबर ये है कि इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 56 तहत क्लियर कट लिखा गया है कि इनहेरिटेंस में आपको कुछ भी मिलता है या विल के तहत भी कुछ मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यहां इनहेरिटेंस तो हालांकि रिश्तेदारी में ही मिलेगा पर विल से अगर कोई अदर देन रिलेटिव या तो कोई फैमिली फ्रेंड से भी कुछ मिले तो आपको टैक्स नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि आपके कोई फैमिली फ्रेंड या रिश्तेदार की दायरे में नहीं आती, ऐसी कोई व्यक्ति आपको कुछ देना चाहते हैं तो उनको कहिए कि भाई रुक जाइए, मुझे टैक्स नहीं लगे तो आप अपने विल में इसका जिक्र कर दीजिए, मैं इंतजार कर लूंगी, मुझे आप विल से दीजिए ताकि मुझे कोई टैक्स नहीं लगे। पूजा, ओके, तो ये विल की इम्पोर्टेंस भी हमने आपको बताई और इसकी तैयारी भी आप करके रखिए। और विरासत पर एक महिला को मिले पैसे बिना किसी मॉनेटरी लिमिट के टैक्स फ्री होते हैं, ये भी ज़रूरी जानकारी आपके लिए। मुकेश जी, महिलाएं काफ़ी सारे गोल्ड और आभूषण रखने के भी शौकीन होती ही हैं, वहाँ पर किस तरह के टैक्स अट्रैक्ट होते हैं इनकम टैक्स प्रोविजन में? अगेन पूजा, ये हमने आज तो छोटे छोटे आइडियाज हमने एक माला परो के तैयार किए हैं, पर मैं हमारे दर्शकों को याद कराऊंगा कि हमने एक विशेष एपिसोड किया था और अगर आपने उस टाइम देखा नहीं तो आप ईटी नाउ स्वदेश की चैनल पे जाके यूट्यूब पर से भी उसको देख सकते हैं। तो इसमें हमने समझाया था कि CBDT कि जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 1916 1994 की है, मई की, उसमें ये कहा गया था कि अगर, क्योंकि आम तौर से होता क्या है कि अब कोई भी महिला की शादी होती है या घर में कोई महिला होती है तो उसको कई सारे ओकेजन्स में छोटे मोटे गहने वगैरह सोना मिलता है तो उसका कैसे आप समझाएं, एविडेंस कैसे पेश करें। तो ये इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि भी हम एक लिमिट लगाते हैं, इस लिमिट के दायरे में अगर आपके पास है गहने या सोना है तो आयकर विभाग इसके बारे में आपको परेशान नहीं करेगा, कोई पूछपरछ नहीं करेगा। तो इसकी जो लिमिट है, माना फैमिली में जो मैरिड वुमन है, पत्नी है, माता है, उनके केस में 500 ग्राम, और जो अनमैरिड महिला है माना बेटी है कोई घर में जिसकी भी शादी नहीं हुई तो उसके लिए 250 ग्राम। हालांकि ये 500 या 250 ग्राम इज नॉट द एब्सोल्यूट लिमिट, अगर आपके पास एविडेंस है कि आपने इससे ज्यादा कुछ मिला था, लिया था, गिफ्ट में आया था, इनहेरिटेंस में आया था, तो ये सब इसका रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। इसलिए पूजा हम हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को अपना जो भी सोना चांदी जवाहरात है उसका सोर्स के बारे में उसको रिकॉर्ड रखना कोई तरीके से, इवन बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आवश्यक है क्योंकि वे बहुत ही यूजफुल
हो सकता है, लेकिन 500 या 250 ग्राम वाली फॉर्मूला में कोई एविडेंस न भी हो तो आपको फिक्र की कोई बात नहीं है। ओके ठीक है, तो ये रूल्स कुछ आपको और ज्वेलरी से जुड़े भी हमने बताए। एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है जो कि सबके मन में आता होगा कि सपोज अगर हस्बैंड पति कोई उनका खुद का बिजनेस है और वो पत्नी को सैलरी दे रहा है, वेतन दे रहा है, तो क्या वहाँ पर टैक्स से जुड़ी कोई समस्या खड़ी हो सकती है? आपने एक बहुत ही रोचक सवाल खड़ा किया है, क्योंकि जो सेक्शन 64 जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, सेक्शन 64 में कहा गया है और उसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग टैक्स प्लानिंग के जरिए, रादर टैक्स अवॉइडेंस के द्वारा, वो ऐसे गिफ्ट्स या विद इन द फैमिली के पेमेंट्स करके वो उनकी जो लायबिलिटी है उसको घटाएंगे। अब गिफ्ट्स का तो हमने प्रोविजन देखा, ऐसा ही प्रोविजन पूजा एक रेम्यूनरेशन के बारे में है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने लग्न साथी को, माना कि हस्बैंड ने वाइफ को कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन या कुछ भी दिया, कमीशन वगैरह, तो ये जो अमाउंट है केवल इंडिविजुअली दिया उतना ही नहीं, मान लीजिए हस्बैंड की कोई कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है जिसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का उन्होंने आयकर कानून में एक्सप्लेनेशन दिया है कि 20% से ज्यादा उसका वहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या उसके शेयर्स है, तो ऐसे केस में ऐसे कोई एकम या ऐसे हस्बैंड द्वारा वाइफ को रेम्यूनरेशन या कोई फॉर्म में कुछ भी दिया गया हो तो उसको आम तौर से जो सामान्य नियम है सेक्शन 64 का उसके आधार से क्लबिंग किया जाएगा। पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इसको ख्याल में रखना है, क्योंकि इसके आधार से आप बहुत ही लाभदायी आयोजन कर सकते हैं, यू कैन डू सम वेरी नाइस यूजफुल प्लानिंग। तो इसका एक्सेप्शन जो ये है कि अगर वाइफ की कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती है और उसके बदले में उसको अगर ये रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो ये क्लबिंग का प्रावधान लगेगा नहीं, माना ये महिला की स्वतंत्र आय मानी जाएगी। और ऑब्वियसली द होल आइडिया इज कि महिला की स्वतंत्र आय दिखाएं, क्योंकि उससे परिवार को सीधा टैक्स सेविंग में फायदा होगा। अब इस केस में सवाल ये खड़ा होगा कि व्हाट इज टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के दायरे में तो हम समझते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, ये सब आ जाते हैं। पर ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन ये मत समझिए कि कोई आपको बहुत टेक्निकल इंजीनियरिंग या ये उसके लिए ही है। हालांकि बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट्स में, कानूनी चुकादों में ये स्पष्ट किया गया है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशंस का जो संदर्भ है उसको थोड़ा ब्रॉडर यू नो इंटरेस्ट में लेना है। माना कि आज कोई लड़की ने डिप्लोमा किया है, केवल बीए या बीकॉम भी किया है, पर अगर वो जो काम करती है अपने हस्बैंड के एंटिटी में, रिसेप्शनिस्ट है, मान लीजिए वो सब अकाउंटिंग का देखती है, ओवरऑल मैनेजमेंट देखती है, या तो केवल एसएससी पढ़ी हुई है लेकिन उसको कुछ ऐसा अनुभव या एक्सपीरियंस है जिसके आधार से हम कह सकते हैं कि ये काम कर सकती है, तो इसके दायरे में ये आएगा और ये फायदा आपको रहेगा, तो आपको क्लबिंग का कोई अवरोध नहीं होगा। पूजा ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा जिसका कि हमें ध्यान रखना है, और एक पत्नी भी हेल्प कर सकती है अपने पति की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में। सर और क्या टिप्स देंगे हाउसवाइफ को कि वो बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सके और अपने परिवार का टैक्स बचा सके? और इसी के साथ ही साथ एक और सवाल मैं इस पर करना चाहूँगी और क्विकली हम चाहेंगे कि आप उस पर भी अपना राय दें, अपनी बेटी के लिए टैक्स फ्री कैपिटल कैसे बनाया जा सके, इन दोनों पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। जरूर, यू नो यू वांट द काउंट टू बी 8। अब सबसे पहले बेटी को ले लेते हैं, जो बेटी है आपकी चार्मिंग प्रिंसेस डॉटर, उसके भविष्य के लिए आपको ये करना है कि पीपीएफ
और SSY माना पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना इसमें निवेश करें, क्योंकि इससे आप अपनी बेटी की टैक्स फ्री कैपिटल विदाउट एनी क्लबिंग प्रोविजंस, क्योंकि आमतौर से माइनॉर की जो इनकम होती है वो पूरी क्लब होती है अपने पेरेंट के केस में, यहां आपको कोई क्लबिंग का अवरोध नहीं बीच में आएगा। और लास्ट में हम ले लें कि हाउसवाइफ के लिए, पत्नी के लिए, अगर पत्नी खुद काफी कमाती है तो वो अपना प्लानिंग कर लेगी, पर परिवार में पत्नी काम घर का करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका इनकम टैक्स का रिकॉर्ड और फाइल नहीं रखें, उसकी भी कैपिटल होनी चाहिए, उसकी भी इन्वेस्टमेंट इनकम होनी चाहिए। इसके लिए आपको ये करना है पूजा कि आप ख्याल रखिए 64 में गिफ्ट नहीं दीजिए, हमने बताया बार बार, क्योंकि क्लबिंग का प्रश्न आएगा, पर आप अपनी वाइफ को इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं। अब इंटरेस्ट फ्री लोन देने का फायदा यह है कि इसमें क्लबिंग का कोई प्रोविजन लगेगा नहीं। मान लीजिए आज आपका 1 करोड़ का सेविंग है, आप 30% के ब्रैकेट में है, 1 करोड़ का सेविंग आप वाइफ के केस में दीजिए तो 10 लाख की मान लीजिए उसकी इनकम इंटरेस्ट की होती है, उसमें से डिडक्शंस वगैरह वगैरह करते हुए आपके उस केस में एवरेज टैक्स 15% से भी कम आएगा, या तो 5 लाख के अंदर अगर आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है तो 0 टैक्स आएगा। तो ये पूरे टैक्स का सेविंग 30% के बजाय आप लोअर ब्रैकेट में ला के बहुत यूजफुल प्लानिंग कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट आपको ये हमारे दर्शकों को समझाना है पूजा कि ये मौका चूके नहीं, खास तौर से इवन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के कॉन्टेक्स्ट में भी डीमैट अकाउंट खोल के आप बहुत अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। ऑलराइट मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये 8 तरीके जो हमने बताए आपके जरिए उसके उस पर अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, इस शो के जरिए उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। अगर आप वर्किंग नहीं है, आप हाउसवाइफ भी हैं, पढ़ी लिखे हैं, तो आप काफ़ी तरीके से अपने परिवार की मदद कर सकती हैं टैक्स बचाने में। तो फिलहाल इस नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।